कल मेरे घर पे पार्टी है, तुम लोग आओगे? कैसा है भाई? हाय संगम। हे अंजन, कम मीट माय फ्रेंड नामिका। हाय नामिका। हाय रंजन। ओके यू गाइस कंटिन्यू, आई विल कैच यू लेटर। ओके बाय रंजन। कैसा है भाई? मैं ठीक हूँ। नमिका चल ले अंदर। हाय रंजन। श्रुति पार्टी अंदर गेट पे नहीं, अंदर चले। कैसा है निखिल? हाँ ठीक हूँ। क्या बात है यार रंजन, तूने तो बहुत बढ़िया घर ले लिया है। इम्प्रेसिव। सीरियसली? हाँ नमिका को हमेशा से एक बड़ा घर चाहिए था ना। हाँ तुम सब बैठो। हाँ गाइस मेरे को सब कंफर्टेबल। अरे अपने रंजन का ही तो घर है यार, और आज तो जम के पार्टी होने वाली है। हाँ गाइस ऐसी पार्टी करेंगे कि जैसे हमारी आखिरी पार्टी हो। यार वैसे मेरा और नमिका का रूम कहाँ है? हमें प्राइवेसी चाहिए, वी कांट शेयर। यार ये नमिका बाकी लड़कियों से कितनी अलग है, नहीं कितनी भोली, कितनी प्यारी। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ देखने को मिलती हैं। हाँ हाँ है तो, पर तेरी औकात से बाहर है बेटा, उसको देख और खुद को। ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? हाय रंजन। हाय। हेलो। हाँ संगम बोल रहा था, तुम साइकोलॉजी में बहुत अच्छे हो और नोट्स भी है तुम्हारे पास, मेरी हेल्प कर दोगे पढ़ने में? हेल्प? हाँ नोट्स बनाने में। हाँ पढ़ा देगा ना, ये साइकोलॉजी में बहुत अच्छा है। हाँ पढ़ा देगा ना। हाँ पढ़ा देगा। Then give me a phone. This is my number. Please call me. We'll make a routine. Okay? Okay. Okay. Bye. Sid, हम सबके साथ आए हैं। तो अलग रूम लेने की क्या नीड है? But Nami. No. हम सबके साथ रह लेंगे, no issues. You in a bag? हाँ यार. तुम लोग अपने वुमेन्स पार्क में भी कर सकते हो, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। कहां दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये बात गाइस कुछ खाने को मंगाते हैं ना, गागा तक मेरा गला दुख गया है, काफी भूख भी लगी है। रुक मैं स्विगी कर देता हूँ, यहीं पास में ही है, 5 मिनट्स में आ जाएगा।
हाँ यार ये सही रहेगा, कर दे। हेलो, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, आप कितनी देर में आ जाएंगे? ओ बढ़िया, आ जाइए। हाय रंजन, है कर दिया तुमने ऑर्डर? हाँ, पास ही में, 5 मिनट में आ जाएगा। यार वैसे तुम्हें अजीब नहीं लगता सिड और नामिका को साथ में देख के? आई मीन पहले तुम और नामिका साथ थे और सिड तो तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त। नहीं श्रुति, आई मीन हाँ, बट तुम्हें भी तो अकेलापन फील होता होगा ना लाइफ में। यू नो व्हाट, यू नीड समवन। सी डोंट डू दिस, दिस इज नॉट राइट। व्हाई? अगर मेरी जगह नमिका होती तब तो तुम्हें बड़ा राइट लगता। श्रुति, ये तो क्या कर रही है? वो निखिल, मैं बस जल्दी से। बिल्कुल चुप। और साले तू क्या कर रहा था? हां निखिल, मेरी बात सुन। मैं कुछ चुप। क्या कर रहे हो बाहर हो गए? इससे कुछ क्या कर रहे हैं सुधीर? नहीं मैं यार। सर रंजन कौन है? हाँ मैं हूँ। आपका ऑर्डर था? हाँ लाइए। कितना हुआ? सर आपने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, आपको याद नहीं? अरे हाँ मैं भूल गया था, सॉरी एंड थैंक यू। इट्स ओके सर, सर मैं चलता हूँ। ओके ठीक तो है? ऑर्डर दे दिया ना, चल निकल निकल। क्या कर रहा है निखिल, उस पर क्यों भड़क रहा है? तुझे कुछ गलत फहमी हुई होगी यार, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और तू खुद की हालत देख, नशे में है तू। और अंदर चल अभी, आजा अंदर चल अभी, अभी अंदर चल। छोड़ना यार रंजन, तुझे तो पता है कॉलेज उसका कैसा है, वो तुझे कॉलेज से पसंद नहीं करता। और जो पसंद करते थे उनका क्या? मुझे निखिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बुरा उन लोगों का लगता है जो मेरे कभी अपने थे। अबे चल यार, मैं तो हूं ना, चल अंदर चल। Like they do warning, party chale get till 6 in the morning. Jee bhar ke naach le baby, naach naach ke tod de sandal. Aunty police bula legi to yaar tera kar lega handle. Yeah, maza aa gaya aaj to. What a party hai. So Ranjan, लाइफ में कोई आया? I mean, if you dating anyone? No. But why? इसकी शक्ल देख के लगता है क्या इसको मिलने वाली से कोई? ऊपर से दिमाग भी खराब है इसका। Please Siddharth. पता नहीं तुमने क्या देखकर डेट कर लिया था इसको। मैं तुम लोगों के लिए पीने के लिए कुछ लाता हूँ। वैसे कुछ भी कहो यार, बंदा बड़ा चूतिया है, फिल्म में इतनी बड़ी पार्टी दे रहा है, थोड़ा अच्छा बन के फायदा उठा ले तो क्या दिक्कत है? क्यों गाइस? यार तू बड़ा कमीना है। अबे वैसे ही तुम सब उसकी लेते रहते हो, अगर मैं भी ले लूंगा तो ऐसी पार्टीज कैसे मिलेंगी? तो रंजन जैसे बंदे को काटने के लिए क्या करना होता है मुझे पता है। क्यों? हाँ सही कहा, चूतिया हूं मैं। मुझ जैसे इंसान के लिए सही वर्ड है चूतिया, यही कहना चाहिए मुझे। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में मैं प्यार ढूंढ रहा हूं, ये सोचता हूं कि मैं लोगों को प्यार दूंगा तो लोग मुझे प्यार करेंगे। बट चूतिया हूं मैं, गलत फहमी में जी रहा हूं। और ये नमिका बोलती थी कि तुम दूर चले गए तो मैं मर जाऊंगी, कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। और क्या बोलती थी कि बच्चों के नाम क्या रखें, याद है? याद है?
और ये सिड, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था ना, ये नमिका अभी आई थी है ना। मैंने सोचा था सारी दुनिया बेवफा हो भी गई तो क्या, तेरे पास आके रो तो लूंगा, तू है ना मुझे संभालने वाला, पर तूने वो भी हक छीन लिया। श्रुति, निखिल, संगम, तुम लोगों ने सही कहा था, चूतिया हूं मैं और ये चूतिया इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। लाइट कैसे चली गई? खिल, थोड़ा लाइट को देखना यार, लाइट को क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई, आके देखना यार, एमसीबी डाउन तो नहीं हुई गई? कैसे हुआ? फक रंजन, ओए रंजन, ये किसने किया? निखिल, मुझे क्या बताओ, लास्ट इसका झगड़ा तुझसे ही हुआ था ना? हाँ, तो मैं मारूंगा इसे। और तूने तो इसकी बंदी। गाइस, लड़ने का टाइम नहीं है, जस्ट चेक, क्या ही जिंदा है? ये टेस्ट की रिपोर्ट लैब में भेजो। इस बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। जी सर। हाँ तो भाई बाढ़ को ये बताओ, किसने मारा इसे? देखो बता दो, अगर मैं अपने तरीके से पूछने लगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी तुम्हें, तो जल्दी बताओ। शाबाश। Sir, actually, we also have no idea what happened here. We were partying and then light goes off and then... Oh, bhai! Gani Angrej ji bole hai? England se hai ke? Hindustan se hai na? To Hindi mein bata ke hua tha? Sahi, sahi bol raha hai. Hame kuch nahi pata. Kuch to bada chakkar hai. Ya to ye hame batana na cha rahe. या कुछ ऐसा है जो हमारी समझ में ना आ रहा। एक काम करो, इन सबको ना अलग अलग इंटरोगेट करो। हाँ भाई, क्यों मारा लड़के को? क्या दिक्कत थी? सर, हमने नहीं मारा उसको। हमने मैंने यहाँ तेरी बात करने के लिए बुलाया है। तो ये बता, तूने मारा है उसे या किसी और ने? सर, मैं क्यों मारूंगा उसे,
वो तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, बल्कि ये इन लोगों ने उसकी लेके रखी हुई थी सर, उसका बहुत मजाक उड़ाते थे, मैं तो उन्हें समझाता था। सॉरी सर, सर मुझे तो लगता है रंजन का खून सिडनी किया होगा, क्योंकि नमिका और रंजन दोनों एक साथ थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, और सिद्धार्थ भी उसे पसंद करता था, और कुछ समय बाद वो दोनों एक साथ रिलेशन में आ गए, और मैं तो 100% श्योर हूँ सर कि नमिका कहीं रंजन के पास दोबारा ना चली जाए, इसलिए सिद्धार्थ नहीं मारा होगा। हाँ सर, तेरे जैसे बंदों को ना ना घनी तरह जानू, कीड़ा खुद करो और नाम लगा दो दूसरों का। बेटा ये आंखें हैं ना, तेरे जैसे हरामखोरों को बहुत अच्छी तरह पहचाने हैं। क्यों भाई, के जरूरत आन पड़ गई उसको मारने की? सर मैं क्यों मारूंगा उसे? तू क्यों मारेगा उसे? तेरे पास तो घड़ी बड़ी वजह है उसे मारने की। के नाम है उस छोरी का? नामिका। अरे किसी के प्यार पे डाका डालेगा तो क्या होगा? सर बट ऑनेस्टली मैंने उसे नहीं मारा। हाँ ये सच है कि मैं और नमिका अब साथ रहते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं। सर मुझे तो लगता है कि निखिल ने रंजन को मारा होगा। क्यों भाई, तने ऐसा क्यों लगता है? सर आप कंफर्म कर सकते हो, थोड़ी देर पहले रंजन और निखिल का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था श्रुति को लेकर। श्रुति को लेकर? हाँ सर, श्रुति निखिल की गर्लफ्रेंड है और निखिल को लगा कि रंजन और श्रुति के बीच में कुछ चल रहा है। रंजन और श्रुति के बीच में? हाँ सर। एक बात बताओ, वो क्या कह रहे हैं तुम बालकों ने प्रेम प्यार के कह रहे हैं? इश्क मोहब्बत, लव, इसको मजाक बना रखा है। सर वो आज कोई उसके साथ है तो कल कोई उसके साथ, के ये चक्कर के है। सर वो फिर क्या हुआ ये बता। सर फिर क्या होना था, निखिल ने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी और उसने रंजन को काफी ज्यादा पीटा। पर तुमने पिटने दिया? पिटने दो साले को। नहीं सर, बचाया ना हमने। इसका कोई सबूत? सबूत? हाँ सर सबूत, उस टाइम पे एक स्विगी बॉय आया था डिलीवरी लेकर, और उसने ये देखा भी था कि कैसे निखिल रंजन को मार रहा था। और सर चाहे कितना भी डिफरेंसेस हो मेरे और रंजन के बीच में, मैं आज भी उसको अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। मानता हूँ नहीं था, मर गया वो। हाँ सर, वो बंदा था ना, उसने उसका गला पकड़ा हुआ था और उस पर चिल्ला रहा था। मैंने पूछा सब ठीक तो है ना, तो वो मेरे पे ही भड़क गया। सर अगर खून हुआ है ना, तो मुझे पक्का यकीन है कि वो मर्डर उसी ने किया। हाँ वो तो हम देख लेंगे, फिलहाल तुम जाओ, मगर दोबारा आना पड़ सकता है गवाही के लिए। और हाँ शहर छोड़ के मत जाना। आप कौन कहाँ जाएगा साहब? हाँ तो भाई शक की सुई तो तेरे पे ही जा रही है, सबके बयान भी यही बता रहे हैं कि मर्डर तो तूने किया है। सर ये सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज नीचे। सर मेरा मतलब ये था, ये खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा रहे। मानता हूँ कि मेरा रंजन के साथ लास्ट टाइम झगड़ा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका खून कर दूँ। सर वो तो बस श्रुति को मैंने देख लिया था उसके साथ। हाँ तो मैडम, आपने मारा, मरने में साथ दिया, या लड़ाई करवाई और मरवा दिया? सर नहीं सर। प्यार करती थी ना आप उसे? हाँ सर मैं पसंद करती थी, बट वो कभी नमिका से बाहर निकला ही नहीं, बल्कि इन सब के पीछे नमिका का ही आता है। पहले बेचारे रंजन को फंसाया, फिर उसने उसे धोखा दे के सिट के पास चली गई। सर आई एम टेलिंग यू, बहुत चालू लड़की है, उसी ने मेरे रंजन को मारा होगा। ओहो मेरे रंजन को। हाँ तो नामिका जी, ऐसी क्या वजह रही होगी जिसे प्यार किया उसे ही मारना पड़ गया? सर मैंने रंजन को नहीं मारा। मैंने कब कहा? मैंने कहा अभी तो आपने बोला, जिस
जिसको प्यार किया उसी को मार डाला। ओह, तो मतलब आप प्यार करती थी, फिर सिद्ध के साथ क्यों थी? सिर्फ आपका लुकआउट नहीं है। एग्जैक्टली मेरा लुकआउट नहीं है, पर मेरा लुकआउट ये जानना जरूरी है उसे किसने मारा है। एंड ट्रस्ट मी, तुम में से किसी ने भी या तुम सभी ने जिसने भी ये काम किया है, आई विल नॉट लीव एनी सिंगल ऑफ यू। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रंजन को जहर दी गई थी, और सर एक ऐसा जहर है जिससे बॉडी पूरी नीली पड़ जाती है, और किसी भी इंसान को मारने के लिए इट जस्ट टेक ए मिनट। तो मेरा शक सही निकला, इन सब लोगों ने मिलकर रंजन को जहर दिया है। इट्स अ प्लान्ड मर्डर। सर मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये सब भी वही चाहते थे कि ये मर जाए, और सर वैसे भी ये सबके पास ना इसे मारने के लिए कोई ना कोई वजह जरूर थी। सर बहुत शाने लोग हैं। भाई चलो सर। आई किल्ड हिम, मैंने मारा उसे। ये लाइट कैसे चली गई? मरना जरूरी था, और जी के भी क्या करता। हाँ मैंने मारा उसे, क्या उसे मारना जरूरी था? पता नहीं, पर इतना पता है ये लोग उसे जीने नहीं देते, इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर था। वैसे एक बात बताऊं, मर तो वो बहुत पहले ही गया था, मैंने तो बस